जैसे हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होता है, या जो नीड्स होता है जो हम मिल्क लेते हैं या जो भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ आवर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, मिनरल्स जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, तो ये सारे जैसे हमारे बॉडी को रिक्वायर होता है वैसे प्लांट्स को भी रिक्वायर होता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में कि हमें जानना कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वे होते हैं जो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आप नाइन्थ में हैं तो आपको ये भी पता होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होता है, बट आपको हायर क्लासेज में पता चल जाएगा माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, माइक्रो एंड माइक्रो, बट ये आप यहाँ जान लीजिए, हायर क्लासेज में जाओगे पता चल जाएगा। बट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होता है लेस क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। तो पहला डिफरेंस आपको पता चल गया कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो लार्ज क्वांटिटी में ज़रूरत होता है, माइक्रो का मतलब छोटा, ठीक है। और दूसरा जो है डिफरेंस जो है, आप ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ ईच मैक्रो न्यूट्रिएंट इन प्लांट इज द मोर देन 1 mg पर ग्राम, मोर देन 1 mg पर ग्राम। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, 1 ग्राम में आप सोच सकते कितना mg होगा, गेस करिए, ठीक है, आपने गेस कर लिया होगा, चलिए मैं ही बताता हूँ, 1000 mg होता है, ठीक है, इसमें 1000 mg होता है, 1 ग्राम में मिलीग्राम 1000 mg होता है, 1000 mg, तो मतलब 1 mg 1000 में मतलब कंसंट्रेशन होना चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का, मतलब 1000 mg में मतलब 1 ग्राम में मतलब 1000 mg में 1 mg आपका ये होना चाहिए न्यूट्रिएंट्स जो है। और दूसरा अगर आप देखते हैं कंसंट्रेशन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें, यह भी सेम है, ठीक है। अब द मैक्रो न्यूट्रिएंट, और मैक्रो न्यूट्रिएंट में तीसरा अगर डिफरेंस देखेंगे आप, तो दे टेक पार्ट इन द बिल्डिंग प्लांट बॉडी एंड डिफरेंट प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। प्रोटोप्लाज्मिक मतलब ये सिमिलर साइटोप्लाज्म होता है, ये लिविंग सेल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स में लिविंग सेल्स होते हैं, तो ये उसको स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, पार्ट लेता है, बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, बनाना किसी चीज़ को, तो ये है, इसमें हेल्प करता है। इसमें कोई इनका माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का कोई फंक्शन नहीं, इनका कोई रोल नहीं है। अब जैसे है, अब फोर्थ पॉइंट एक डिफरेंस देखेंगे तो अब दे हैव नो सिग्निफिकेंट रोल इन एंजाइम एक्टिविटी। देखिए दोनों में आधा अलग होता है, माइक्रो एंड माइक्रो में देखिए, पहला दो डिफरेंस तो आपको ऐसे पता चल जाएगा, एक तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है लार्ज क्वांटिटी में ये बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक बॉडी में ज़रूरत है, एंजाइम्स में कोई एक्टिविटी ये रोल नहीं करता। एंजाइम आपको पता है ये फूड को क्या करता है, अब जैसे हम नॉर्मल है एंजाइम्स क्या करते हैं ह्यूमन में, ये जूस जो होते हैं ये फूड को छोटे छोटे पार्टों में तोड़कर ये डाइजेस्ट करते हैं, तो ये ऐसे प्लांट्स में भी होता है, ठीक है। नो सिग्निफिकेंट रोल एंजाइम एक्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, जैसे एग्जांपल में से पांचवा पॉइंट आप एग्जांपल में लिख सकते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर, दीज आर ऑल मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो आपको ये पता होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचों पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें देखिए ये एंजाइम एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, अब इसमें एग्जांपल देखिए आयरन, मैंगनीज, बोरान, जिंक, कॉपर, ठीक है, ये सारे चीज़ क्लोरीन, ये आपको याद होने चाहिए, ये सारा। आई होप मैं आपको समराइज कर देता हूँ मैक्रो एंड माइक्रो, माइक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में, ठीक है। तो दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी माइक्रो में एंड इन लेस क्वांटिटी है, पहला डिफरेंस। दूसरा है कंसंट्रेशन जो होता है मैक्रो में प्लांट जो है 1 mg है, तीसरा जो है इसमें भी सेम ही है, और तीसरा जो है प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर में हेल्प करता है ये बनाने में, और इसमें कोई फंक्शन नहीं है माइक्रो का। चौथा जो है फोर्थ है एंजाइम एक्टिविटी में कोई रोल नहीं है इसका, और माइक्रो का रोल है। एंड फिफ्थ जो है एग्जांपल्स है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, ये चार आप याद कर लीजिए, एंड आयरन, मैग्नीज, बोरान, जिंक, ये चार आप याद कर लीजिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट हो तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, थैंक यू।